गरम कुंड का मजा लेने के लिए जस्ट बैठे हुए, अभी जस्ट गरम पानी डलाया है, पैर सताने से हालत खराब हो रहा है। चूके देखिए चूके। हेलो दोस्तों, आज है तीसरा दिन हम लोग का कांवर यात्रा का। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे कांवर, फ्रेश व्रेश हो लिए, नहा धो के रेडी हो गए। आज हम लोग कोशिश किए थे, सोचे थे कि सुबह 3 बजे उठेंगे निकलेंगे, लेकिन नहीं उठ पाए सुबह 3 बजे। अभी तो 6 बज गया है, अब यहाँ 6 बजे निकल रहे, नहा धो के रेडी हो गए, सारा कांवर के एक साथ निकले। मौसम है बहुत अच्छा, चलेंगे सबको एक मिजाज मिलजुल के आराम से। हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है, चलते हैं आप लोग को दिखते हैं एक एक रास्ता में हम लोग का परिश्रम होगा। पर चलिए, सारे दोस्त भी रेडी हो गए हैं, हम लोग निकलते रहेंगे। बाम बोल कवरिया, बोल बाम बोल बाम, धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो, फाइनली पहुंच जाएंगे। बोल बाम बोल बाम बोल बोल बाम बोल बाम बोल बाम बोल बाम। नया चीज दिखाते हैं यहाँ पर, सभी कोई अपना एक सा इमारत बनाता है, जैसे अपने की जिंदगी भर में सही इमारत बना रहे, कंटिन्यू चलते रहे, कि कभी भी किसी का हिम्मत ना टूटे। देखिए सभी बम सब मिलकर इमारत बना रहा है, बनाइए अपना कि सब कैसे जना रहे। आइए हम लोग भी ट्राई करते हैं, अल्लाह घर बनाने कोशिश करते हैं, जितना जब कोशिश कर पाएंगे। सभी को मिलकर बना रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हम लोग सबसे बेस में हम लोग ये चढ़ाते हैं, कंप्लीट हो गया है मेरा इमारत। देखिए को फाइनल बहुत मेहनत के बाद मेरा ये कंप्लीट हुआ, कि 3 बार गिरा है इसके बाद। अच्छी थोड़ा सा साफ तो दिखाई देता ये। दो सांप रखा है, बहुत सारा रखा, लेकिन दो रख। देखिए ये लोग ऐसे ही करके कंटिन्यू देवघर तक जाएंगे, बाबा का द्वार तक। सभी को अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं, कंटिन्यू अब कितना देर लगेगा इन लोग को पहुंचने में। बोल बाम रात दूर तक चलते चलते सुबह पास से उतर रहे हैं हम लोग, बहुत फाइनली इतना दूर आ गए हैं। सब तक बाम बाम क्या बात करता है, तो बाबा उसको देगा कि आपका देगा। पैर का पूरा हालत खराब हो गया, मसाजर चल रहा है। जस्ट थोड़ा सा दूर में 2 किलोमीटर दूरी बोल रहा है, एक बहुत अच्छा सा धर्मशाला है, जिसमें फुट मसाज करने के लिए गर्म पानी है, गर्म कुंड दिया हुआ है, फिर फुट मसाजर है, सारा एक चीज की सुविधा है, अच्छा से नहाने वाला। तो सोच रहे कि वहीं जाके स्टॉपेज लेके बैठे, थोड़ी देर आराम कर ले, बहुत धीरे धीरे और कोशिश करें ज्यादा। चलिए देखते हैं, आप लोग को दिखाते हैं, हम तो गए नहीं, जैसे पूछे इन लोग से बाकी तो से। अभी जाते हैं, पहुंचने के बाद पता चलता है कैसा कैसा है। आ गया हम लोग का, खाएंगे खाना, बहुत ज्यादा थक गए हैं आज, बहुत दिन बाद खाना खाए, चावल खाने मिल रहा है। देखिए ये कमल सेवा संस्था जो कुटकी हम लोग का केंद्रवा से आया हुआ है, जस्ट आगे में ही लगाया है, आए आपको दिखाते हैं। जगह जगह में आपको ये शिविर मिल जाएगा, जो निशुल्क वाला है, जहाँ बैठ के आप आराम ले सकते हैं, ठीक है। वो अलग अलग दौड़ जाइए,
10 रुपया में हम गोड़ियारी चल गए, 10 रुपया। ये रहा कमल से वसाधन संस्था जो हम लोग पुटकी से आता है। गरम कुंड का मजा लेने के लिए जस्ट बैठे हुए, अभी जस्ट गरम पानी डलाया है, पैर सताने से हालत खराब हो रहा। सूखे देखिए सूखे, गरम कुंड का मजा लेंगे। भरद्वाज रख पाएगा पैर वापस? चेहरा काला हो गया भाई। 10 रुपया बम भोले, हर हर महादेव, ऑल आर वेलकम। संत बलजीत सिंह के द्वारा देखे फ्री मेडिकल कैंप और फ्री फूड फैसिलिटी दिया जा रहा है। यहाँ देखिए अभी चावल चल रहा है, फ्री में बिठा के खाना खिला रहा सभी को। खाना खत्म होने वाला, बगल में ही मेडिकल वाला टेंट लगा हुआ है। इसी तरह जगह जगह में खाना का, नाश्ता का, चाय का, सब जगह टेंट रहता है। आपको कोई दिक्कत, अगर आपको पैसा का दिक्कत है, आप जगह जगह में ये मुफ्त उठा सकते है फ्री वाला। इस तरह शिविर भी लगाया हुआ बहुत सारा, और धर्मशाला भी है जिसमें आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। सारे बम को फ्री में मौका मिलता है आराम करने के लिए। फाइनली हम लोग चलते लक्ष्मण शिविर में, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ सब कावर रखा हुआ है, कावर रख के ये शिविर में सब रेस्ट कर रहा है। प्रोग्राम है और आगे में जब आइए आपको दिखाते हैं। ये कितना आदमी यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, जब भी हम लोग कावर को उतारते हैं तो हमेशा 5 बार स्नान पकड़ के भूला भाभी माफ करते हैं, और उसके बाद गंगा जल लेके कावर को उतार चढ़ाते हैं। सबको ऐसे ही करता है। आरती भी करना पड़ता है। अलग अलग तरह का माँ है, भगवान है, सभी एक एक प्रभु है, सबके एक जैसे आशीर्वाद ले सकते हैं। जगह जगह में आपको मिलेगा ये वाला जगह, आपको जगह जगह में इस तरह का रेस्ट करने के लिए मिलेगा। सब जगह देखिए कितना, इस जगह में भी 40 का स्पेशली बनाया हुआ, बहुत सुंदर है। और बहुत जगह जैसा रहता है कि गद्दा उद्दा रहता है चौकी के राइट में, से बहुत होता है, खूबसूरत लगता है। आपको कोई परेशानी नहीं है, कहीं भी आप बैठ के आराम कर सकते है। खाली खाना बन रहा है रात का, थोड़ा देर में यहाँ गद्दा भी लग जाएगा। अभी अब भीड़ हो जाए, 10 बजे देखिएगा कहीं आपको आदमी नहीं दिखेगा चलते हुए। सब आदमी लगा रेस्ट करता है, मैक्सिमम डाक बम वाला ही सिर्फ चल के जाता है। कावर यात्रा भी जाता है, देखिए जब कभी भी हम लोग चाय वाय पीने के लिए गए, खाना वाना खाने के लिए, तो हम लोग चेंज वेंज करने के बाद कावर का पान जल उठाते हैं, तब हम लोग को हमेशा ये कारोबार करना पड़ता है। ये अनिवार्य है, सबको करना ही पड़ता है। 5 बार भगवान से माफी मांगते हैं अगर भूल चुक कुछ हुआ है तो, उसके बाद कावर का जल हम लोग लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना लंबा सफर करते हुए हम लोग फाइनली
अपना जामा डबल ग्रुप एरिया का शिव शक्ति धर्मशाला में पहुंचे हैं। ये हम लोग अब उसी रिलोकेशन का है, चलते अब शिव शक्ति धर्मशाला में आपको चले दिखाते। हम भी तो बहुत पहला बार आए हैं। हमारे बम भाई अभी पहुंचे हैं लग रहा है, शिव शक्ति धर्मशाला। देखिये जामा डबल जिला का है ये, हम लोग अपना एरिया का भूल भुलैया एरिया में फाइनली पहुंच गए। फादर कुछ रेस्ट करेंगे। बोल बम, बोल बम, कैच का बोल, बोल बम। विजय भाई का यहाँ एक्यूप्रेशर का काम चल रहा है। देखिए एक्यूप्रेशर वाला है इनका, जब यहाँ का हैंड एक्यूप्रेशर किया जा रहा है। हम लोग शिव शक्ति में सब खाना वाना खा के फ्रेश व्रेश होके अब हम निकलेंगे। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फाइनली शिव शक्ति में। हम लोग भोजन वोजन दे खा लिए अपना, आप फ्रेश व्रेश भी हो लिया। आप चलते हैं, हम लोग यहाँ से निकले हैं। गोरियारी नदी बोल रहा है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, अब धीरे धीरे हम लोग पहुंच ही जाएंगे। हिम्मत क्योंकि मैं एक्यूप्रेशर भी करा ले, एक्यूप्रेशर हम लोग किया तो थोड़ा पैर भी फ्री हो गया है। अब थोड़ा हो सकता है खिंचा जाए नदी तक, तो आराम से पार कर लेंगे। अभी देखते हैं नदी पार करने के बाद क्या ये लोग डिसाइड करता है, आगे जाके तो और चलना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा वीडियो में। फाइनली इतना लंबा दर्द के बाद, इतना नींद में दर्द होने के बाद, इतना हम लोग टारगेट जो नींद रखे थे वो टारगेट हम लोग कंप्लीट कर लिए। गोरियारी नदी पहुंच गए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे पार्टिकुलरली इतना देर से हम लोग सोचते रहते कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, उसके बावजूद भी सफर करके आए हैं नदी। बहुत देर बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। मैं रिलैक्स लग रहा है। शिवलिंग है देखो वो यहाँ पर, आओ दिखाते हैं। फोटो हो गया वहाँ पे, वाह। जस्ट आगे मेरे शिवलिंग, हम दिन में वीडियो का देखे थे। आइए ना, आइए ना। अरे अरे बालू में चला सकते हैं इधर। नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? कोई तो नहीं जाना वहां तक। चार रोटी दियो वहां तक। क्या दिन में आते तो बहुत सुंदर रहता, लेकिन रात में आया, क्या करें। शिवलिंग जी का दर्शन हो गया। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। पानी के बीच में जब पानी आता है तो ऊपर डूबा रहता है। रात में प्रशासन जाने नहीं दे रहा हम लोग को, इसलिए इसके कारण से हम लोग पुल से पार कर रहे हैं रिवर को। क्योंकि पता नहीं चलता ना कहाँ पर कितना गड्ढा है पानी का, कितना नहीं, इसीलिए। अब कैसे कहाँ, दिन रहता तो विजिबिलिटी रहता था, पता चलता है। इस कारण से हम लोग सब पुल से पार हो रहे सारे कांवर लोग।